الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم नाजरिन गगरामी मरकज तहकीक के जेरहतम पाँच रोज़ा इस्लामी मीशत व तजारत आगाही कोर्स उसका एक अहम और बुनियादी अनवान वो इस्लाम की कारोबारी अखलाकियात हैं जब भी इंसान किसी फील्ड में जाना चाहता है या किसी भी शोबे का इंतब करता है तो सबसे पहले उस शोबे के उस फील्ड के असूल जवाब उसके अखलाक और उसके रूल्स क्या हैं इस हवाले से उसका इल्म हासिल करना उसके लिए ज़रूरी होता है इसी बुनियाद पर जहाँ इस्लामी शरीयत ने ज़िंदगी के दीगर मामूल में इंसान की रहनुमाई फरमाई है वहीं इंसानी ज़िंदगी का एक बड़ा शोबा वो मीशत है और ये इस्लाम का एजाज़ है कि इसने जिंदगी के तमाम मामलों में इंसान को उसूल और जवाब सिखाए हैं इंसान को तरीका जिंदगी सिखाया है आज की गुफ्तु में कि जब एक शख्स तिजारत करता है और मीषत के मैदान में क़दम रखता है तो इस्लाम उसकी किस अंदाज़ में गाइडलाइन करता है क्या रास्ता दिखाता है उसके लिए अखलाक व्या है उसके तौर तरीक़े क्या होने चाहिए ज़ाहिर बातें इंसान का मीषत के मैदान में दूसरों के साथ ताल्लुक़ पड़ता है ताल्लुक होता है तो उन उसका ताल्लुक दूसरों के साथ किस अंदाज़ में होना चाहिए आने वाली आज की गुफ्तु में इस हवाले से आपके सामने इस्लाम का जो निज़ाम अखलाक है मीशत के हवाले से वो पेश किया जा रहा है आज की गुफ्तु में हम इन निकात पर बात करेंगे सबसे पहले इस्लाम और अखलाकियात देखिए इस्लाम ने हर मामले में अखलाकियात का दर्श दिया है वहीं मीषत के हवाले से अल्लाह आलमीन ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को बिलुमूम और अहल ईमान के लिए बिलखसूस तिजारत के अखलाकियात सिखाए हैं अखलाकियात अखलाक दरअसल खुल्क की जमा है और खुल्क आदत तौर तरीके तबीयत को कहा जाता है ज़ाहिर इंसान का ताल्लुक दुनिया में तीन तरह से मौजूद है कि उसका ताल्लुक अल्लाह आलमीन से है और दूसरा ताल्लुक कायनात की जितनी मखलूक है उनके साथ है और तीसरा ताल्लुक अपनी ज़ात के साथ क्योंकि मीशत में एक फ़र्द का ताल्लुक दूसरे लोगों से होता है लेन देन का के मामला होते हैं तो इस बुनियाद पर कारोबार के अखलाकियात क्या हैं कारोबार के तौर तरीके क्या हैं इस्लाम में और इस्लाम का और अखलाक का ताल्लुक़ बहुत गहरा ताल्लुक है और जहां भी अहले ईमान की कुरान हकीम में सिफात ज़िक्र की गई हैं वहां उनके अकाइद यानी अकीदा, तोहीद, आखिरत इसका ज़िक्र करने के साथ साथ कई सारी सिफात का जिक्र किया है जिनका ताल्लुक अखलाकियात से है मसलन अहल ईमान वो हैं जो लगवियात से एराज करते हैं अहल ईमान वो हैं जो अपनी अमानतों की और अपने अहद की वादे की पासदारी करते हैं अहल ईमान वो हैं जो ज़मीन में अकड़ कर नहीं चलते अहिल ईमान वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं तो कुरानुर हकीम में जा बजा कई मकाम पर मुख्तलफ़ पैराए में अहिल ईमान की जिन सिफ़ात का जिक्र किया गया है उसका ताल्लुक अखलाकियात से है और आप अलैहि वसल्लम की का जो मरतबा और मकाम बयान किया गया है वो कुरानकीम में अल्लाबी ने फरमाया व न कला खलोक नाग़ी अल्लाह के नबी सल्हलम बेशक आप तो अखलाक के बुलंद मरतबे पर फायज़ हैं इसी तरह सामिन ग्रामी जब हम अहादीस का मुताल्ला करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही उम्दा अंदाज़ में अपने मुतबीन को इस अमर का पाबंद बनाया है इस अमर की तालीम दी है कि अपने आप को बेहतरीन अखलाक का पेकर बनाया जाए अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इन्ना नमिन ख़्यारी कुमासनों अखलाका कि तुम में से सबसे बेहतर बेहतर शख्स वो है जो अखलाक में सबसे बेहतर हो और अखलाक का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि जब आयशा से मालूम किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम के अखलाक क्या थे आप सल हज़रत आप रजील्ला ने फरमाया कान खुल्कहुल कुरान के आपके अखलाक वो पूरा का पूरा कुरान मजीद है और अखलाकियात का मज़ीद इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर साहब कराम मज़वानल अजमैन से पूछा कि अतदरून मुफलिस क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस कौन होता है जिस तरह हमसे अगर पूछा जाए कि मुफलिस कौन होता है तो हमारे जहनों में यही तसवुर आएगा कि मुफलिस और गरीब तो वही है जिसके पास मालूमता ना हो तो साहब कराम मज़वान अजमाइन ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्ला वफलिस तो वो है जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो मालो मता ना हो आप सल्ला वल्म ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलस वो शख्स है कि जो शख्स नमाज रोज़ा उसकी पाबंदी करता हो लेकिन इसके साथ साथ उसने किसी को गाली दी हो किसी का माल हड़प किया हो माल चोरी किया हो किसी का हक मारा हो या किसी का माल खाया हो तो मेरी उम्मत का मुफलिस ये है और क़्यामत के रोज़ इसकी नेकियां उन लोगों के नामा अमाल में डाल दी जाएंगी अगर फिर भी हक पूरा नहीं होता तो उनके गुनाह इसके नामा अमाल में डाल दिए जाएंगे तो इस हदीस से मालूम हुआ कि उमत मुस्लिम का मुफलिस वो है जो अखलाक से आ रही हो अखलाक का पेकर ना हो तो इन आयात से और अहादी से नबी स मालूम हुआ कि इस्लाम जिंदगी के तमाम मामलों में अखलाकियात को अपनाने की अखलाकियात को थामने की और अपने आप को बेहतर और अच्छे अखलाक और बुलंद अखलाक का पेकर बनाने की तालीम देता है अब सवाल यह पैदा होता है कि तिजारत के मैदान में अखलाकियात इसका मफहम क्या है जब हम बात करते हैं कि तिजारत के मैदान में अखलाकियात तो इसका इससे मुराद यह है कि तिजारत के मैदान में लेन देन बेहतर अंदाज में हो हलाल और हराम का इम्तियाज इसी तरह उन अमूर से इजतनाब जिनके ज़रिए से एक फ़र्द को तो नुकसान हो या एक ग्रोह को नुकसान हो लेकिन दूसरे फर्द को या दूसरे ग्रोह को फ़ायदा पहुँचे इन चीज़ों को जानना इसका ये मुराद है तजारत का तजारत के मैदान में इस्लामी अखलाकियात का इसके बाद देखिए इस्लाम ने जिंदगी के तमाम मामलों में जहाँ रहनुमाई फराम की है तो इस्लाम का जो निज़ाम मीशत है वो दीगर जो निज़ाम है जिन्होंने मीषत का के असूल जवाब पेश किए और मीशत को मजबूत बनाने के लिए नज़रियात पेश किए उनमें सर फहर सरमायादार निज़ाम सोशलज़म और इसी तरह कैपटलज़म और इश्तराकीत सोशलज़म के इन दो नज़रियात ने मीषत के मैदान में अपने असूल ववाब पेश किए लेकिन इनके नजरियात का ख़ुलासा ये है कि इंसान माल कमाने में माल के में आजाद है वो जिस तरह चाहे नफ़ा हासिल करे जिस तरह चाहे जो चीज़ उसके दिल में आए बेचे चाहे हलाल हो हराम हो उसका कोई इम्तियाज़ नहीं है चूँकि इंसान आज़ाद है अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कर सकता है तो इन दो नज़रियात के असूल मीशत के मैदान में, में उनका ख़ुलासा यही है कि कोई बाउंड्री नहीं है और कोई हदूद अरबा नहीं है इंसान आज़ाद है जिस तरीके से चाहे माल कमा सकता है लेकिन इंसानी लेकिन इस्लामी मीषत इससे ज़रा हट कर इंसान को एक दुरुस्त रास्ता दिखाती है वो रास्ता ये है कि इंसान आज़ाद है लेकिन कुछ उसके हदूद अरबा हैं कुछ कवानी हैं कुछ उसूल हैं जिनके अंदर रहकर वो मीषत के मैदान में आगे बढ़ सकता है इस्लामी मीषत ओ इस्लाम के अहदाफ़ में से एक हदफ़ यह भी है कि इंसान की मीशत की असलाह हो जाए अल्लाह अल्लाहबमीन ने जितने अम्बिया कराम को मबूस किया उनमें एक बासत का मकसद ये भी था कि मीषत का निज़ाम तजारत का निज़ाम वो बेहतर हो जाए इंसानों का इसी बुनियाद पर जहाँ उन्होंने अल्लाह की अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया अकायद की दावदी वहीं इता जक़ात की, की अदायगी कि जिसके नतीजे में माल चंद लोगों के हाथ में ना रहे बल्कि पूरे माशरे में तकसीम हो कोई गरीब ना रहे कोई फकीर ना रहे और बिलखसूस शुब आम के हवाले से कुरान हकीम में तो वाज हुकुम है कि उन्होंने अपनी कौम को जो तजारत के मैदान में इस म में मुबतला थी कि वह लोगों को कम तोल कर दिया करते थे और जब लेते थे तो उसमें भी कमी बेशी किया करते थे तो हजरत अलैहिस्सलाम ने उनको इस काम से मना किया और उन्होंने बर्मला कहा कि या शुआब असला अनु का माया अब मा आबा उना के तुम्हारी नमाज इस काम का हुक्म देती है कि हम उन कामों को छोड़ दे जो हमारे अबा किया करते थे अवन नफ़ालाफी अमालीना के या हम अपने मालों में जो चाहें करें इस बात से तुम्हारी नमाज रोकती है इन लं हलीम और रशीद बस तू ही तो एक आली ज़रफ़ और रास बार आदमी रह गया है अब देखिए यहाँ वाज तौर पर हज़रत शुब्व ने उनको तजारत की अखलाकियात का दर्स दिया लेकिन उन्होंने इसकी मुखालफत की और आप सल असम के हवाले से मशहूर है कि तजारत का पेशा था और अमानत दीनतकत का पेकर थे जिसकी बुनियाद पर हजर खतीजा रजील ने उनको माले तजारत दिया तो अमानत दियानत और सदाकत तिजारत की ये अलामत है जिसके नतीजे में अल्लाह अल्लाब्लारमीन कामयाब तिजारत, तिजारत को कामयाब बनाता है अब मुस्लिम ताजिर के लिए इस्लामी तालीमात से आगाही ज़रूरी है एक शख़्स जब मुसलमान तिजारत के मैदान में कदम रखता है तो उसके लिए नागुजीर है कि जिस तरह दीगर शोबों में तलीमत हासिल की जाती है उसके तौर तरीके उसके उसूल आदाब उसके रूल्स सीखे जाते हैं तो इसी तरह इस्लामी जो मुस्लिम ताजिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो तजारत का जो इस्लामी तरीका है उसको सीखे हज़रतमर रजील्ला उन्होंने फरमाया कि लायाबी من قد कद في الدين के हमारे बाजार में वही शख्स तजारत कर सकता है जो फ़िक से वाकिफ हो जिस जो जानता हो कि हलाल क्या है हराम क्या है इसी तरह हजरत अली रजी फरमाते हैं मनितजर तफक कहा रिबा कि जो फिक को समझने से कबल तजारत करता है तो रिबा में मुबला हो जाता है इसी तरह इबन आबिदीन रहमान ने आ, का कौल अमी रही का कौल नकल करते हैं कि हर मुकल्लफ के लिए इल्म दीन सीखना फर्ज है वजू गुसल जक़ात हज जिन पर जिस पर फर्ज हो इसी तरह ताजिर उनको इस्लामी तिजारत के असूलो जवाब सीखना जरूरी है ताकि वो मामला में शबहात और मकर से दूर रहें इसी तरह इमाम गजाली रही का आ, कौल है फरमाते हैं कि जब किसी शहर में रिबा आम हो जाए तो मुस्लिम ताजिर पर फर्ज है कि वो इतना इल्म हासिल कर ले कि जिसके नतीजे में वह रबा से बच जाए तो मालूम हुआ कि मुस्लिम ताजर के लिए ज़रूरी है कि जब वो तिजारत के मैदान में कदम रखे तो इस्लामी तिजारत के असूलो जवाब उसके तौर तरीके उसको सीखे और उसके मुताबिक अपनी तिजारत को चलाने की कोशिश करे अब इस्लामी मीषत के दो बुनियादी हक़ाइक हैं जिनको समझना ज़रूरी है पहली हकीकत यह है कि तमाम माशी वसाइल अल्लाह के पैदा किए हुए हैं अल्लाह ही तमाम वसाइल का मालिक है अल्लाह ही तमाम जितने भी चीज़ें मौजूद हैं कायनात में उनका खालिक है और वही उसका हकीकी मालिक है इसी बुनियाद पर हकीम में जा 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 कई जा मकाम पर इस हकीकत की वजाहत की गई है अल्लाहमी ने फरमायालूल अल्लाह तो वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबे कर रखा है चलो उसकी छाती पर और खाओ खुदा का रिस्क इसके उसी के हुजूर तुम्हें दोबारा जिंदा होकर जाना है और आराफ में फरमाया वलकद फिल लकुम मा तशकुरून तो पहली हकीकत यह है कि जितने भी वसाइल मौजूद हैं वो सब अल्लाह ही की मिल्कियत है और दूसरी इस्लामी मीशत की हकीकत यह है कि हलाल और हराम जायज और नाजायज इसकी हदूद अरबा इसकी हदूद मत करना ये अल्लाह अरबुल आलमीन का हक है इसके अलावा किसी और का हक नहीं है हकीम में इसकी वजाहत की गई है वला लिमा हलाल। वहादा हराम। ला और ये वो तुम्हारी जबान लगाया करती हैं कि ये चीज हलाल है और वो हराम है तो इस तरह के हुक्म लगाकर अल्लाह पर झूठ ना बांधा करो जो लोग अल्लाह पर झूठे झूठ बांधते हैं वो हर किस फला नहीं पाएंगे तो इस्लाम की दो मईत है पहला दो मईश, इस्लामी मीशत की दो हक, हकीकत के पहला ये कि तमाम वसाइल अल्लाह ही की मिल्कियत है दूसरी हकीकत यह है कि जायज़ और नाजायज हलाल और हराम इसका मुतन करना यह अल्लाहबालमीन का हक है महतरम नाजरीन तजारत की अहमियत और शफाफ तजारत की अहमियत इस हदीस से लगाई जा सकती है कि हर अब सईद खुदरी रावी हैं फरमाते हैं रसोल्स ने फरमायामी नबी जी नवसदी नव शहदाक़ियामह कि क्यामत के दिन वो शख्स जिसने अमानत के साथ तजारत की होगी वो अम्बिया के साथ होगा इसी तरह दूसरी रिवायत में कि वो शख्स जो सच्चाई के साथ तिजारत करने वाला अमानत दार है क़यामत के रोज़ अल्लाह आलमी शुहदा के साथ उसको उठाएंगे अब यानी अहल ईमान को ईमानदार और अमीन ताजिर बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बेहतरीन अंदाज में जहन साजी की है कि क़यामत में उसका मनसब उसका मरतबा ये होगा कि उसका क्याम और उसका रहन सहन जो होगा वो अम्बिया के साथ शुहदा के साथ होगा और अल्लाह रब्लमीन उसको इतना अजीम मकाम फ़रमाएंगे अब इसके मुकाबले में कि मुस्लिम ताजिर बदी बदती से अपने आप को बचाए आप सल्लाम ने फ़रमाया कि अज्जाररुन यौम्यामतुार्ला व सदका के क़यामत के रोज तमाम तुजार तमाम ताजरीन वो बदकार की हैसियत से उठाए जाएंगे हाँ अलबत् जिसने तकवा अख्तियार किया नी की और सच्चाई के साथ मामला किया अल्लाह रबालमीन उसको इनसे बचा लेगा और मजीद ये कि आप सल्लाम ने मुनाफिक की जो अलामत बयान की हैं वो ये है कि उनमें से एक अलामत और एक निशानी यह है कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है तो तजारत के मैदान में भी झूठ से परहेज करना इसकी तरफ इशारा किया गया है और क्यामत के रोज़ अल्लाह रब्लम का देखिए किस बेहतरीन अंदाज में अहल ईमान की तरबियत की जा रही है अल्लाह रब्लम ने फरमाया कि तीन अशासा ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह रब्लम कलाम नहीं करेगा उनमें से एक वो शख्स जिसने झूठ बोलकर अपना सामान बेचा होगा अल्लाह रब्लम उस शख्स से हरगज कलाम नहीं करेंगे इसके बाद हलाल कमाना के बाज लोग कहते हैं कि कस्बे माल हो चाहे जिस तरीके से भी हो माल आना चाहिए उसके लिए हलाल और हराम का कोई इम्तियाज़ नहीं है हरगिज़ ये बात दुरुस्त नहीं इसलिए कि कुरान हकीम में कई मकामात पर अल्लाह आलमीन ने अहिल ईमान को तमाम अम्बिया को इस बात का पाबंद बनाया है कि ताम और शराब इसका हसूल वो हलाल तरीक़े से हो

के फराइज के बाद फराइज के बाद यानी नमाज रोज़ा इनके बाद वो हलाल कमाना ये फ़र्ज है इसी तरह उमर बिन खत्ताब रज़ील्हू के हवाले से किताबलक में इमाम मोहम्मद हसन इमाम मोहम्मद बिन हसन शईबानी रही ने नकल किया है कि वो तिजारत के अमल को जिहाद से मुकदम करार दिया करते थे तो मालूम हुआ कि हलाल कमाना ये फ़र्ज है जिस तरह दीगर फराइज हैं इसीलिए हलाल उन जराए को अपनाना जो हलाल जराए हैं और उन ज़राए से इज्तनाप करना जिनसे अल्लाह ने उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है अब एक शख्स तिजारत के मैदान में आता है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके नतीजे में तिजारत कामयाब होती है जिसके नतीजे में तिजारत में बंदा आगे बढ़ सकता है और बंदा बेहतरीन अंदाज में अपने आप अपनी तिजारत को अच्छे अंदाज में आकर आगे लेकर चल सकता है तो वो चंद सिफात आपके सामने बयान की जा रही हैं सबसे पहले है तकवा तकवा दरअसल तमाम नेकियों की बुनियाद है और तकवा के हवाले से कुरान हकीम में कई मकाम पर ऐसे ईमान को पाबंद बनाया गया है कि तकवा की रविश इख्तियार की जाए तो माशी उमूर में माशी अमूर में तकवा यह है कि जो हकूक़ अल्लाह रबुलमी ने मुतन किए हैं वफ़ी अमाल हक को मालूम लस्सा अलीवल महरूम के अहल ईमान तो वह हैं जिनके मालों में मालूम हक है सवाल करने वालों के लिए उन लोगों के लिए जो महरूम हैं तो बुनियादी तौर पर तकवा के नतीजे में अहल ईमान अल्लाह रबालमीन की खशियत उसके तकवा के नतीजे में अपने जो हक़ हैं उनको बेहतर अंदाज में अदा करता है और इस तकवा के नतीजे में उन तमाम बुराइयों से इज्तनाब करता है जिसके जिसकी वजह से तिजारत बिगाड़ का शिकार होती है और दूसरा दूसरी जो सिफत है वो है अहतराम इंसानियत अल्लाह रबालमी ने कुरान हकीम में इंसान को अफजल करार दिया है अल्लाह रबालमीन ने फरमाया वक़द करमना बनी आदमा के हमने बनी आदम को तकरीम से नवाजा है और वह अफभ आलमीन और अल्लाह ने तमाम जहानों पर इसको फजीलत दी है तो इकतसदी अमूर में अहतराम इंसानियत यह है कि ऐसा माशी निज़ाम मौजूद हो कि जिसकी बिना पर कोई शख्स फ़कीर ना रहे कोई शख्स तन तंग ना रहे और ये निज़ाम हकीकता इस्लाम ही के पास है तीसरी जो सिफत है वह है अख़वत देखिए अख़वत के हवाले से मोहब्बत और भाईचारगी के हवाले से इस्लाम ने जितनी तालीम दी है इस हवाले से किसी और दीन में किसी और नज़रिए में तालीम नहीं मिलती और जो शख्स इस्लाम के दायरे में आ जाता है कुरान हकीम में फरमाया इन नमुमिन एकवतम के अल ईमान तो भाई भाई हैं लिहाजा भाईचारगी के नतीजे में एक दूसरे का ख़्याल रखना एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करना ये इसके जब ये अख़वत होगी तो बंदा कम पर भी राज़ी हो सकता है और अपने भाई को बेहतरीन चीज़ मुहैया कर सकता है तीसरी जो चीज़ है वो है ईसार देखिए खुद गर्जी वो माशरे को बिगाड़ का शिकार बना देती है खुद गर्जी के नतीजे में एक दूसरे से नफरत एक दूसरे से अख्तिलाफ़ात और माशरा इंतशार का शिकार हो जाता है तो ईसार के नतीजे में के कम पर राज़ी हो जाना और अपने भाई की ज़रूरत पूरी करना और इस हवाले से कुर हकीम में फरमाया कि वय फिर अला अन फम वल्का ना बिहम खसवासा के अपनी ज़ात पर वो दूसरों को तरजीह देते हैं तो ईषार का जज्बा पैदा करना ये ताजिर के लिए नागजीर है इसी तरह अदल अदल के हवाले से कि अल्लाह रबालमी ने कुरान हकीम में अदल की तालीम दी है और अदलमाशी निज़ाम में यह है कि किसी फ़र्द के हकूक और फ़राइज वो ये नहीं है कि एक के हकूक व फ़राज़ अलग हैं दूसरे के हकूक फ़रज़ अलग हैं किसी लिहाज से भी कम नहीं हो सकते इसी तरह ईमानदारी तिजारत के मैदान में ईमानदारी अमानत और दयानत, सदाकत के साथ अपनी तिजारत को चलाना ये बुनियादी बात है और अल्लाह रबालमीन ने और सल्ला वम ने जो शख्स ईमानदारी के साथ तजारत करता है उसका बुलंद मकाम बयान किया है इसी तरह खरीदो फरोख्त में नरमी इख्तियार करना नरमी के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर तालीम दी है कि इंसान खरीदार ख, 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 खरीद खरीद तिजारत के मैदान में नरमी इख्तियार करे और अल्लाह आलमीन उस शख्स को पसंद करता है जो अपनी तिजारत में नरमी इख्तियार करता है इसके बाद वक्त पर अदायगी कि जब किसी से अगर हद हो जाए और किसी से मुआदा हो जाए तो वक्त पर अदा करना वक्त पर चीज़ों को पूरा करना ये ज़रूरी है और सुरह बनी इसराइल में अल्ह रबालमीन ने फ़रमाया है कि कयामत के रोज़ कयामत के रोज़ अल्लाह उन उनद के बारे में सवाल करेंगे जो शख्स अपने अहद की पासदारी करता है तो अल्लाह रब्लम इसको कामयाब करेंगे हुसन अदायगी कि अगर किसी से आपने माल लिया है तो उससे बेहतर अदा करना हजरत अबू राफे रजी अल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स से ऊंट एक उधार लिया कर्ज लिया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जकत के ऊँट आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि इसको वो कर्ज लौटा दो फरमाते हैं कि ऊँटों में से सिर्फ एक ऊँट बाकी रह गया था और वो उम्दा ऊँट था और सात साल का था मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया तो आपने फरमाया कि वही ऊँट दे दो इसलिए कि फ़ैन्ना ख़ैरन्नासी असन गवा के, के बेहतरीन शख्स वो है जो अदायगी में हुसन इख्तियार करता है अदायगी हुस, अदायगी के साथ मामलात निभाता है तो ये कुछ अमूर हैं और इससे अंदाज़ा होता है कि इस्लाम ने तिजारत को कामयाब बनाने के लिए इन अमूर को अपनाने की तालीम दी है अब आइए वो कौन से अमूर हैं जो तिजारत के लिए ममनू हैं और तिजारत को ख़राब करने के लिए उसको जो है तिजारत को में जो वो उमूर जो शरीयत ने मना किए हैं वो कौन से उमूर हैं सबसे पहले रिबा रिबा सूद के हवाले से हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह आलमीन ने जिस ताक़द के साथ और जिस सख्ती के साथ इससे मना किया है इस हवाले से किसी और हुक्म में इतनी सख्ती और शिद्दत नहीं पाई गई और रिबा लेने वालों के लिए अल्लाह ने और उसके रसूल ने ऐलान जंग किया है तो इसकी हुरमत और इसकी जो वईद है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह रबालमी उस शख्स से कितना नाराज़ होते हैं अब रिबा किसको कहते हैं रिबा दरअसल कहते हैं ज्यादती और बढ़ोतरी को और रिबा की मुख्तलिफ़ तारीफात की गई हैं और जो मशहूर तारीफ है वो यही है कि माल के मुकाबले में जब माल वसूल किया जाए और एक तरफ इसमें बग़ैर किसी इजाफी इवज के इजाफा हो यानी माल के मुकाबले में माल लिया जा रहा है लेकिन इजाफी माल लिया जाए उसके मुकाबले में कोई भी मेहनत ना हो बग़ैर किसी के वो माल वसूल किया जाए तो वह रबा है इसी तरह कुल्लू रिबा के हर वो कर्ज जिसके नतीजे में नफ़ा हासिल हो तो वो रिबा है तो रिबा के हवाले से तफसील के साथ कुरान हकीम में और नबी अक्रम सजाता और फरमा दिया कि यह हराम है अब रिबा ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास उसकी किस्म है बल्कि हर किस्म का रिबा इसमें हराम है बाद लोग कहते हैं कि यह लोग की राय यह है कि कर्ज की सूरत में या तिजारत की सूरत में जो रिबा लिया जाता है वो हलाल है ये दुरुस्त बात नहीं है कुरान हकीम में सरी हुक्म है कि किलबाई अमर रिबा ये हतमी आयत है कि अल्लाह ने बया को हलाल कर दिया और रिबा को हराम कर दिया और दिलचस्प बात यह है कि रिबा एक ऐसा एक खतरनाक काम है ये तिजारत के लिए खतरनाक है कि जिसकी हुरमत और जिसके बारे में तमाम अंबिया तमाम शरीय में हरमत बरकरार रही है हती कि जो मगरबी मगरबी नज़रियात के सरखेल हैं अरस्तु और इसी तरह अफलातून उन्हों उन उन्होंने भी इसकी रिबा के खिलाफ अपनी तहरीरों में लिखा तो रिबा के हवाले से तमाम शरीयतों में और तमाम लोगों में इसकी कबाहत पाई जाती है और कुरान हकीम में सराहतन इससे मना किया है जाहिर बात है रिबा के नतीजे में बहुत सारी खराबियां पैदा होती हैं और आज हमारा पूरा सिस्टम जो लोग कहते हैं कि रिबा के बग़ैर सिस्टम नहीं चल सकता ये दुरुस्त बात नहीं है रिबा के नतीजे में माशरे में फ़करो फाका तंग दस्ती पैदा होती है माल और माल और दौलत चंद लोगों के हाथ में आ जाता है और दूसरे लोग महरूम हो जाते हैं इसी तरह यूसुफ और करदावी रही ने बड़ी बेहतरीन बात की है कि रिबा और सूद के नतीजे में माशरे में तंग दस्ती फाक़ा और गुरबत पैदा होती है लेकिन हलाल के नतीजे में माशरा परवान चढ़ता है माशरती जिंदगी में और इंसानी माशी मीशत जो है नशो नुमा पाती है तो लिहाजा हलाल तरीका वो यही है कि इंसान हराम से इज्तनाब करे और अल्लाह अल्लाहबूलमी ने इसकी सख्ती से इससे मना फरमाया है इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जुआ मैसर और क़िमार हवाले से भी कुरान हकीम में वाज फ़रमा दिए कि यह अल्दीन अमनु इन ख़मरु वल मैसर वल अनसोब वल अजलम अमल कौन के शराब और मैसर और ये आमाल जो हैं ये शैतान के अमाल में से हैं किमार यह जुआ किस कहते हैं जुआ कहा जाता है कि जिसमें दो फरीकों का हक गैर वाज हो और गैर मुतिन हो और एक फरीक का नफ़ा दूसरे के नुकसान पर लाजमी तौर पर मुंतज होता हो यानी अगर एक शख्स है और उसको नफ़ा हासिल हो रहा है तो उसका नफ़ा का उसके नफ़े का हसूल दूसरे के लिए नुकसान का सबब लाजमी बने इसको क्योंकि एक शख्स का नफ़ा एक शख्स को फायदा हो रहा है और एक शख्स को नुकसान हो रहा है तो असूल ये है इस्लामी शरीयत में कि ऐसी वो तमाम चीज़ें हराम हैं जिसके नतीजे में एक शख्स को सरासर फ़ायदा ही फ़ायदा और दूसरे को नुकसान ही नुकसान होता जाए जो आपके सामने आयत बयान की थी या अज़ीना अमनता कुल बनाक कुलू अम वालम बैनक बिलबातिल के बाद बातिल तरीके से एक दूसरे का माल न खाओ तो उसमें बुनियादी जो असूल है वो यही है कि अगर किसी एक शख्स को किसी मामले के नतीजे में सरासर फ़ायदा हो और वो फायदा ऐसा हो कि गैर यकीनी और वो फायदा दूसरे को नुकसान वो उसके फायदे के सबब के नतीजे में दूसरे को नुकसान पहुंचे तो इसको हराम करार दिया गया है इसी तरह तीसरी जो चीज है वो गश यानी धोखा मिलावट मिलावट या माल में कोई चीज मिक्स करके दूसरों को धोखा देना यह बहुत ही बुरी अखलाकी अखलाके सैया में इसका शुमार होता है कि जिसके नतीजे में बाहिर तो एक शख्स बेहतरीन चीज़ दे रहा है लेकिन उसमें वो चीज़ और वो सिफत पा, पाए वो क्वालिटी पाई ना जाए तो रसोल्ला सल्स ने ऐसी तजारत से भी मना फरमाया है जिसके नतीजे में कि मिलावट हो और मिलावट की वजह से दूसरे को नुकसान पहुँचे हज़र अब हुरर रज़ी फरमाते हैं कि एक दफ़ा आप सल्ला बाज़ार में तशीफ़ ले गए और एक शख्स ने वहाँ गंदम फरोख कर रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदम के अंदर हाथ डाल के देखा तो वो नीचे जो गंदम थी वो गीली थी तर थी तो आपने फ़रमाया कि इसको आप ऊपर करें और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मन गश फलाई समिन्नी कि जो शख्स धोखा देता है वो हम में से नहीं है और मज़ीद ये किबरानी तबरानी ने ये हदीस नक़ल की है और इसके आखिर में फरमाया कि जो शख्स लोगों को धोखा देने वाला है उसका ठिकाना आग है इसी तरह वासिला बिन अस्का फरमाते हैं कि कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लोगों को धोखा देता है मिलावट का माल अगर फ़रोह करता है और बताता नहीं है तो अल्लाह का गज़ब उस पर नाजिल होता रहता है और अल्लाह की लानत उस पर फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं तो आज के माशरे में हम देखते हैं कि मिलावट के बगैर हमारे यहाँ तस्व नहीं है कि कोई काम या कोई चीज़ मिलावट के बगैर फ़रोह की जाए और हती के हम तो आदी हो गए हैं कि मिलावट की चीज़ या उसकी अशिया खा खा के हम इतने आदी हो चुके हैं कि अगर खालिस और औरजनल अगर चीज़ हमें मिल जाए तो हमारी तबीयत पर वो गिरा गुजरती है और हमारी सेहत ख़राब हो जाती है तो ये इसकी बुनियादी वजह है कि अल्लाह रबालमीन ने और रसोल्ला वसम ने उन तमाम चीज़ों से मना फरमाया है जिसके नतीजे में इंसान की सेहत और इंसान के मामलात ख़राब हों इसी तरह एक और जो चीज़ है जिससे तजारत में करार दिया गया है वो है नाजायज शर्त कि खरीदो फ़रोख्त में ऐसी शर्त आयद कर दी जाए जो मामलात ऐसी खरीदो फरोख्त में ऐसी शर्त आयद कर दी जाए जो मामलात का जुज बन जाए और उसमें जो आपस में तिजारत करने वाले हैं उसमें ज़रूर जो है नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो इस ऐसी शर्त से अल्लाह रब आप वसल्लम ने मना फरमाया है इसी तरह नाप तोल में कमी कि जब अगर किसी को दें तो पूरा पूरा दें और जब किसी से ले रहे हैं तो उसको भी पूरा पूरा वसूल करें यह नहीं कि देने में तो कमी अख्तियार की और जब ले रहे हैं तो उसको भी हम बताएं कि ये इसमें इतना माल कम है तो कुरने हकीम में तोड़ नाप तोल के हवाले से ऐसे लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं वही है लमतफ़ी के तबाही और बर्बादी हो उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं और कई मकाम पर कुरान हकीम में इस अमर की तालीम दी गई और हजरत शुयब ने अपनी कौम को इसी जुर्म से मना किया था कि नाप तोल में कमी ना किया करो वोफुल्कला इरा किल तुम वजीनो बिल्किस कि जब तुम तोल करो तो पूरा पूरा करो और वज़न पूरी इनस, पूरे इंसाफ के साथ करके देना चाहिए तो इससे मालूम होता है कि नाप तोल में कमी करना एक बहुत बड़ा जुर्म है इसी तरह जो पांचवी सिफत है वह है कि तिजारत में बंदा झूठी कसमें खाए इस हवाले से भी वसल्लम ने सख्त वही सुनाई है कि हजरत अबू ज़र रज़ी रावी हैं फरमाते हैं कि अल्लाह तैमत के तीन तीन अशास से न बात करेगा और ना उनको देखेगा ना ही उनका तस्किया करेगा अबू जर फरमाते हैं कि मन हम या रसोल्ला के नबी वो तीन अशखास कौन से है आप सल्हम ने फरमाया अमुब अलमन्नान अलमनफिकल के उनमें से एक शख्स वो है जो अपने सामान को झूठी कस्मों के साथ फरो करता है तो झूठी कस्में खाकर और अपनी मा अपने माल की जो अपने माल को बेचने के लिए ऐसी कस्में खाना के ताकि अगला शख्स मुतमिन हो जाए और वो माल खरीद ले इस हवाले से भी शरीयत ने मना फरमाया है और इसके नतीजे में अगर वो शख्स माल ले जाता है अगर वो चीज़ ना हो तो वो आपस के मामल ख़राब होंगे और एक दूसरे में निज़ा कायम हो जाएगा तो इसलिए आप अलैहि वसल्लम ने अपने माल को झूठी कस्में खाकर बेचने से भी मना फरमाया है किसी के मामले पर अपना मामला करना यानी अगर दो शख्स कोई तिजारत का मामला डीलिंग कर रहे हैं आपस में और तीसरा शख्स आकर उनके मामला को बिगाड़ने के लिए यानी खरीदने की कोई नहीं इतना हो उसके मामले को बिगाड़ने के लिए आ जाता है और अपनी जो कीमत लगाता है इससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्ला फरमाया लाबी अला यह भी अखी ही के अपने भाई के मामल पर मामला ना करो इसके बाद ज़खीरा अंदोजी।, अंदोजी ये माशरे को मुंजमित कर देती है जखीरा अंदोजी के नतीजे में माल एक शख्स की मलिकत में आ जाता है दूसरे लोग उससे महरूम हो जाते हैं तो देखिए इस्लाम इंसानियत का कितना हमदर्द है कि उसने उन तमाम चीज़ों से मना किया है जो इंसान को तकलीफ़ पहुंचाती हैं जिसके नतीजे में माशरा बिगाड़ का शिकार हो जाता है आजकल हम देखते हैं कि जखीरा अंदोजी का एक आम चलन है और इसमें लोग ऐब नहीं समझते बिलखसूस जब हालात ऐसे हो जाएं कि जब उनको मालूम हो जाता है कि अब लोग हमारी ही तरफ रुजू करेंगे तो वो अशा को जमा कर कर रख लेते हैं और फिर उनको महंगे दामों फरोहत करते हैं और ये ख़ीराज़ी सिर्फ माल ही में नहीं बल्कि आप देखते हैं कि मुश्किल हालात में ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किरायों में इजाफा कर देते हैं किसी की मुश्किल से इजाफा किसी मुश्किल किसी की मुश्किल से फ़ायदा उठाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अमूर से मना फरमाया है और जखीरा अंदोजी करने के हवाले से आप सल्हुस फरमाया अजयाबू मरजूक उनके जो शख्स वो अशिया को जमा नहीं करता बल्कि फरोख करता है अल्लाह उसको रिज देगा वालमुहत को मल और जो जमा कर, कर लेता है उसकी नीयत ये होती है कि मैं इसको बेच कर मैं इसको जमा करके महंगों दामों लोगों को बेचूंगा अल्लाह रबी ने फरमाया कि वो मलऊन है उस पर लानत की जाती है और बिसल अब्दुलमोह तर हजरत हजरत मज़ रजी की रिवायत है कि सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो जखीराजी करने वाला है इसके बाद खयानत के हवाले से भी के खयानत कारोबार में नापसंदीदा करार दी गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने अल्लाह अल्लाब्लमीन का कल नकल किया कि जब दो शख्स मुहदे करते हैं या तिजारत में शरीक होते हैं अना सासुशरी कई मालम यखुन अदा कि तो मैं उसका तीसरा उनका शरीक होता हूँ जब तक उनमें से कोई एक खयानत ना करे इसी तरह रिश्वत के हवाले से भी आप सल्ला वम ने शदीद और सख्ती के साथ मना फरमाया है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों पर दोनों जो है और राशि वलम तशी किलामाफिनार के दोनों जो है आग में होंगे अब जिस हालात में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं कि अगर किसी इदारे में किसी की अपॉइंटमेंट हो जाती है और वहाँ या बहुत बो, सारे ऐसे काम हैं जहाँ रिश्वत के बग़र काम नहीं होता और वहाँ देना ज़रूरी होती है तो इस हवाले से यही है कि जब तक एक इस्लामी निज़ाम कि जहां पर इन तमाम चीज़ों को हम कायम कर सकते हैं वो नाफिज नहीं होगा उस वक्त तक हम इन चीज़ों से इज्तनाब नहीं कर सकते तो रिश्वत के हवाले से सराहतन कुरान हकीम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और उसकी सख्त वईद की है इसी तरह गबन फाहिश है गबन फाहिश का मतलब यह है कि मार्केट में अशिया की कीमत मौजूद हो लेकिन उससे हट कर कीमत बताना और की अपनी अपनी जो है कीमत मुतन कर लेना इससे भी शरीयत ने अल्लाह आलमीन ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है नीलामी के वक्त के हम देखते हैं कि जब नीलामी लगाई जाती और ख़ास तौर तो पर मंडियों में कि बोली लगाई जाती है और एक शख्स जो है उसका इरादा नहीं होता कि वो माल खरीदे या वो चीज़ ले। ले। लेकिन सिर्फ झूठ और अपने उस माल की कीमत बढ़ाने के लिए वो बोली लगाता रहता है इस हवाले से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और ऐसे शख्स का अंजाम फरमाया है कि वो शख्स अल्लाह आलमीन उसको सख्त सज़ा देंगे इसी तरह नजश की मुमानियत की गई है और आखिर में खलाबा के खलाबा किसको कहते हैं कि किसी चीज़ को किसी चीज़ की ऐसी सफ़ात बयान करना कि उसमें वो मौजूद ना हो और अगले बंदे को अंधेरे में रखना लेकिन जब वो शख्स उन चीजों को लेकर जाता है उसको खरीद लेता है तो उसमें वो साफ पाए ना जाए तो ये वो चंद अमूर हैं वो अखलाकियात हैं जिनसे शरीयत ने मना फरमाया है इस्लाम की दावत बजर तिजारत, अब आपको मालूम हो गया कि इस्लाम का अखलाकी निज़ाम तिजारत के मैदान में कितना बेहतरीन निज़ाम है उसका बुनियादी असूल यह है कि किसी शख्स को नुकसान न हो और इसी तरह उसमें अदल बरकरार रहे तनासुब और तोज़ुन बरकरार रहे और हम देखते हैं कि इस्लाम की दावत पूरी दुनिया में जो बड़े पैमाने पर दुनिया के कोनों तक फैली है उसमें बुनियादी किरदार वो ताजरीन का भी है कि उन्होंने वहाँ जाकर तिजारत का पेशा अख्तियार किया और तजारत के मैदान में सच्चाई अमानत दानत का मुजाहरा किया जिसके नतीजे में लोग इस्लाम से मुतासर हुए इस्लाम की तलीमत को अपनाया और उन्होंने इस्लाम कबूल किया मग़रबी मुसनफ़ हैं स्टैन ली पोल उन्होंने अपनी किताब इस्लाम इन चाइना में इसको बड़े वजाहत के साथ जिक्र किया है कि मैं मुसलमान ताजरों की खूबियों का जिक्र इन अल्फाज में किया है इस्लाम इन चाइना में कि वो तजारती मामला में अमानत थे और कभी ख़यानत का इरतक नहीं किया करते थे फिर जब वो यहां चीन में मनसब कजा तक पहुंचे और हाकिम बने तो उन्होंने जुल्म किया ना कभी तरफदारी से काम लिया वो इज्जत वाले थे और इज्जत करते थे वो मुतासिब न थे बल्कि जहां तक शरीय इस्लामिया उन्हें इजाजत देती थी वह फ़राख दिल और आली नफ्स थे वो चीनियों के साथ यूं मिलजुल कर रहते थे जैसे कि एक ही ख़ानदान के अफराद रहते हैं तो मालूम हुआ कि इस्लाम की दावत में बुनियादी जो किरदार है वो मुस्लिम ताजरीन का कि उन्होंने अपने अखलाक के जरिए से और तिजारत में अमानत दियानत और अपने बेहतरीन किरदार के नतीजे में उन्होंने इस्लाम की दावत को पेश किया आज के दौर में मुस्लिम ताजिर की क्या जिम्मेदारी बनती है मोहतरम नाजरीन आपके सामने उन चीज़ों का जिक्र किया गया जिसके नतीजे में तिजारत परवान चढ़ती है तिजारत में बरकत और नशो होती है और उन चीज़ों का जिक्र किया गया कि जिसके नतीजे में तिजारत बिगाड़ का शिकार होती है एक दूसरे का हल हक तल किया जाता है जुल्म किया जाता है अदल का तवा अदल कायम नहीं रहता तो आज के दौर में मुस्लिम ताजिर की जिम्मेदारी बनती है कि बहसीयत मुस्लिम ताजिर सबसे पहले हम तजारत के असूल जवाबी सीखें उसके बाद जो इस्लाम की कारोबारी अखलाकियात हैं उनको हम अपनी बिजनेस में अपने बिजनेस में अपनी मीशत में अपनाने की इनफरादी तौर पर और इज्तमाई तौर पर उसको गालिब करने की कोशिश करें और जिस तरह हम से पहले मुस्लिम तुजार ने अपने अखलाक और किरदार के ज़रिए से दूसरे लोगों को मुतासर किया बहसीत मुसलमान हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो शख्स तजारत के मैदान में काम कर रहे हैं उनको इन अखलाकियात का पेकर होना चाहिए ताकि हम अपने बेहतरीन अखलाक के जरिए से दूसरे लोगों को जहाँ जहाँ जो फ़र्द मौजूद है पाकिस्तान में या सऊदी अरब में इसी तरह यूरोप कंट्रीज़ में जहाँ भी मुस्लिम तजार मौजूद हों वो इन अखलाकी इन अखलाकियात को से जो है अपने आप को मालामाल करें लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान ताजरीन के हवाले से ये मशहूर है कि वो लोग मिलावट करते हैं झूठ बोलते हैं और इसी तरह धोखा देते हैं सामिनी ग्रामी हमारा दीन हमारे अमल का असर वो इस्लाम उससे जो है इस्लाम की पहचान होती है अगर हम अमानत और दयानत के साथ अपनी तजारत को बेहतर अंदाज में चलाएँगे तो इससे इस्लाम की दावत फैलेगी इस्लाम की तरफ लोग आएंगे अगर ख़ुदा न खास्ता हम इस मैदान में झूठ को और इसी तरह धोखे को अपनाए रखा और हमने गलत रास्तों को अपनाए रखा तो लोग हमसे मुतासर नहीं होंगे बल्कि लोग जो है मामला ही से मुतासर होते हैं अगर हमारा ये रवैया रहा तो इस्लाम से दूर होंगे तो इस्लाम की कारोबारी अखलाकियात पेश करने का मकसद ये है कि मुस्लिम ताजर अपने आप को जो इस्लाम की तजारत और कारोबार के असूल हैं उससे मुजीन करें उसका इल्म हासिल करे और उसके बाद उनको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफज़ करने की कोशिश करे अल्लाह रब्लम हमें तमाम अमूर में इस्लाम की तलीमात पर अमल करने की और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की और अपनी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी में दीन के निज़ाम को दीन का जो दीन की जो तलीमत हैं उसको गालिब करने की उसको नाफ़ करने की हमें तोहफ़ी का त फरमाएं व आखिर दावाना अनिल रबीआलमी